इनिशिएट ही नहीं करता है कोई पर्सन कैंसर का ट्रीटमेंट लेना, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि बहुत महंगा है, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये जो बीमारी है उसका इलाज हम चिरंजीवी से तो करा सकते हैं, एक होप है हमें। जन्मदिन पता लगा मैं कैंसर हो गया था, उसके बाद जैसे प्राइवेट जॉब करता था आदानी कैपिटल में, तो वहाँ से जॉब से निकाल दिया गया। कुछ सेवरेंस पे कुछ दिया, सपोर्ट दिया, कुछ नहीं, पैसे कुछ भी क्लेम वगैरह कुछ नहीं, एक्चुअली मैं कोई आया भी नहीं देखने के लिए, बस हटा दिया, बस हटा दिया। फिर एक कॉल आया कि आपको रिजाइन देना पड़ेगा, रिजाइन देने के लिए आप ऑफिस आ जाइए, अपने जो सामान है वो जमा करा दीजिए। एक कंडीशन रखी कि भाई अगली बार जब, क्या करते थे आप उनके लिए? मैं वहाँ ब्रांच मैनेजर था अदानी कैपिटल, यहीं जयपुर। अदानी कौन सी कंपनी? कैपिटल। हमें नहीं पता था कि है ना चिरंजीवी नाम से कुछ योजना है जो कि हेल्थ सेक्टर में है, तो मतलब जैसे ही पता चलता है कैंसर बहुत एक्सपेंसिव, एक तो डिजीज़ ही सुन के एक पूरा फैमिली बहुत मेंटल प्रेशर में आ जाता है। तो कैसे हुआ आपको कैंसर, मतलब क्या कब पता लगा, कैसे? खेती करते थे जब खाना खाने के लिए बैठा, दर्द हुआ है कुछ, रोटी बस कहीं करे नहीं आगे, तो फिर वो उल्टी हुई, फिर आए रात में। ये कितने महीने पहले की बात है? ये 3 महीने हो गए। एक पर्सन अपना फैमिली को चलाने के लिए जो पैसा लगाता है वो आपको सारा पैसा डिजीज़ में लगाना पड़ेगा, तो डिजीज़ सुन के प्लस फिर कीमोथेरेपी बहुत लाखों में होती है। गरीब आदमी जिसके पास खाने का सामान नहीं है वो 3 लाख रुपया भी कहाँ से लाते हैं। असंभव था इलाज करवाना मेरे लिए, तो यदि इलाज करवाते इतने बड़े अस्पताल में तो मैं अपनी ज़मीन बेच के करवा सकता था। एमरजेंसी में बहुत 2 दिन में ही पता चला कि है ना ऐसा कुछ स्कीम है, 2 दिन में हम लोगों ने कार्ड बनवाया। तो आप सरप्राइज थी कि ये कैसा स्कीम है? ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी, 25 लाख समथिंग हम लोग को अभी तक पता है कि 25 लाख का पूरा फैमिली में इन्वॉल्व है हेल्थ का, उसको बढ़ा दिया है, उसको अब वो 50 लाख हो गया। ओके, वो बहुत अच्छी चीज़ है, मेंटल पीस सेटिस्फेक्शन काफ़ी मिल रहा है। ये तो है ना कि हाँ भाई जो बीमारी है उसका इलाज हम चिरंजीवी से तो करा सकते हैं, एक होप है हमें। जैसे भाई जो भी नहीं है तो कहाँ से करवाते वैसे इलाज, कंपनी ने तो पहले हार दिया, अपना कर दिया, और बाकी कंपनियों में इंटरव्यू दिया सही होने के बाद तो सबने यही रीज़न बताया कि कैंसर पेशेंट है तो हम ले नहीं सकते। इनिशिएट ही नहीं करता है कोई पर्सन कैंसर का ट्रीटमेंट लेना, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि बहुत महंगा है, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बट अभी ये स्कीम है तो एक लोगों में होप है कि एटलीस्ट हम लोग गो थ्रू कर सकते हैं ट्रीटमेंट से। आधा बोझ तो उतर जाता है, डिजीज का बोझ ना उतरता है, नहीं उतरता, बट कॉस्ट का तो बोझ उतर जाता है, बीमारी का बहुत पूरा ही उतर जाता है लगभग, भाई अब गवर्नमेंट करेगी हमारा खर्चा। ठीक लग रहे हो, बड़े पॉजिटिव लग रहे हो, मुझे नहीं लगता कुछ होगा। नहीं कुछ नहीं होगा। शाबाश, घबराओ मत। मैं तो पहले से बहुत पहले से सोच रहा था कि कभी टाइम मिले और कहीं होती तो मैं मतलब आवाज करते करो, कितना बड़ा करना चाहते हो बात करा। गहलोत जी नमस्कार। नमस्कार, मैं किसी से बात कराना चाहता हूँ। ओके बोलिए। सर नमस्ते। सर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, महात्मा गांधी अस्पताल से, मेरे बेटा भर्ती हैं और मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपकी योजना का लाभ मुझे चिरंजीवी के उससे मेरे बेटे का इलाज हुआ और मुझे बहुत फायदा हुआ जी। ये आपको और मुझे गांव बुला रहे हैं। सर मैं चाहता हूँ कि आप और ये राहुल जी सर मतलब मेरे गांव आएँ और जितना भी मेरे से हो सके मैं आपका स्वागत कर सकूँ एक छोटे से गांव में। बहुत बहुत आभारी रहेंगे हमें, क्या मतलब हमारे प्रदेश की पूरी जनता ही आभारी रहेगी आपके लिए। हम चाहते हैं कि ऐसी स्वास्थ्य नीति मतलब पूरे देश में ही लागू हो। ठीक है, धन्यवाद गहलोत जी। आप ठीक हैं? मेरे बेटे का लिवर ट्रांसप्लांट चिरंजीवी में हुआ है। ये चिरंजीवी गहलोत सरकार की योजना से ही ये काम संभव हुआ है, तो मेरा बेटा और ठीक है। चलो मैं बता दूं, बढ़िया। कांग्रेस सरकार दोबारा चुनाव में आई नहीं। नमस्कार, बहुत अच्छा लगा। जल्दी ठीक होइए आप।